हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज़ में, इसी ट्रिक पे, नई ट्रिक पे। और आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे डिफरेंस निकालना दोनों इंटरेस्ट के बीच में, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस हम निकालेंगे हम अपने नए फार्मूले से। और दूसरी कंडीशन ये लगेगी कि यहाँ पर जो टाइम दिया होगा वो पूरा 2 साल नहीं होगा। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था इसी टाइप का सवाल, लेकिन उसमें टाइम 2 साल का पूरा दिया था। तो इस बार हम 2 साल से कम का टाइम देखेंगे, 1 साल और 2 साल के बीच का टाइम हम देखेंगे। और फ्रैक्शन में दिए हुए इस टाइम को फटाफट कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं और कैसे इसके लिए रेट चेंज करते हैं वो सीख करके हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, फॉर्मूले से आप पहले से परिचित हो, फिर से मैं बता देता हूँ कि आर ई निकालने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, आर वन आर टू अपॉन 100%। उसके बाद हम डेल्टा या डिफरेंस, दोनों इंटरेस्ट का निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस होगा वो हम इस फार्मूले से पी इंटू आर ई अपॉन 100 से निकाल लेंगे। तो इस सवाल को आप देखिए गौर से, 3600 के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें निकालना है। ब्याज की दर हमें दी है 5% और समय दिया है 1 साल 6 महीना। तो 1 साल 6 महीने को हम जानते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक एक सही 1/2 ईयर्स। तो हमें आर वन या पहले साल की जो रेट होगी वो 5% रहेगी, इसलिए हमने आर वन इज इक्वल टू आर लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरे साल का जो रेट है वो हमने कैलकुलेट करना है, पता करना है कि कैसे आएगा। हमें पता है कि दूसरे साल के लिए हमें सिर्फ 6 महीने के लिए रेट निकालना है, तो 6 महीना मतलब 1/2 साल। तो 1/2 हम इसका कर देते हैं, 5 का 1/2 किया तो 5/2 आ गया हमारा। तो ये हमारा रेट 2 हो गया, आर टू जिसे हमने कहा है। अब हमने आर ई निकालना है, तो आर ई में हम आर वन आर टू की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। आर है हमारे पास 5 और आर टू हमारे पास है 5/2, नीचे आ जाएगा 100। तो यह 5 25 25 और 25 से हम इसे काट देंगे तो 1/8 आ जाएगा हमारा, 1/8% आर ई, या इस इफेक्टिव रेट या प्रभावी ब्याज की दर इस डिफरेंस निकालने के लिए, इस डिफरेंस के लिए। आगे इसे आर ई की वैल्यू को इस फॉलो में रख देते हैं और 3600 रुपये हम पी की जगह लिख देते हैं। पी हमारा है 3600 रुपये और ये है हमारा 1/8 और यहाँ पहले से 100 और था, तो इससे 2 0 कट जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बचा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4 रुपीज़ 50 पैसे हमारा आंसर फटाफट, क्लियर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा कुछ इस ढंग से है कि हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंस दोनों इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, और हमें समय दिया है 1 साल पूरा और 9 महीने। 9 महीने का मतलब 3/4 साल। तो हमने टाइम को ऐसे दिखा दिया, 1/3/4, 1 सही 3/4। और रेट जो हमारा रहेगा पहले साल के लिए, ये आर वन रहेगा 4% ही, क्योंकि उसमें कोई चेंज कभी आता नहीं है। दूसरे साल का जो बचे हुए महीने हैं 9 महीने, उनके लिए हमें निकालना है आर टू। तो हम क्या करेंगे, दूसरे साल का मतलब 3/4 साल, और यही 9 महीने, 9 महीने को हमने 3/4 साल लिखा है, तो 3/4 कर दीजिए इस रेट का। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3। तो 3% का हमें इफेक्टिव रेट, सॉरी आर टू मिल गया। अब आर टू से हम इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे। फॉर्मूला ये दिया हुआ है, आर वन आर टू अपॉन 100। तो यहाँ पे 4 × 3/100%, 4 × 3 = 12। तो 0.12% का हमारा आर इफेक्टिव निकल आया है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें डेल्टा निकालना है सीधे। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे आप रख दीजिए पी की वैल्यू, पी की वैल्यू हमारे पास है 8500 और आर इफेक्टिव क्या है, 0.12/100, 2 0 से 2 0 कट गया है। और अब हमारे पास सीधे इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखने का ऑप्शन आ गया है। तो 85 × 12 = 1020, तो ये हो जाएगा 10 रुपये 20 पैसे का डिफरेंस हमारा, यही हमारा आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अभी आप कंपेयर कर लेना ट्रेडिशनल स्टाइल में करके इस सवाल को, कितना टाइम ये कंज्यूम करता है, और उसके बाद आप इस सवाल को इस ट्रिक से भी ट्राई करना। आई गेस, आई होप ये जो है बहुत कम टाइम में, चौथाई टाइम में आपका आंसर ला देगा। अगला सवाल देखते हैं। कहता है सवाल के 12000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो और समय दिया है 1 साल 10 महीने। तो 1 साल 10 महीने को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10/12, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं और 10 महीने की बात कर रहा है। तो 1 सही 10/12 हम इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कोई इसमें किसी को कोई इशू है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। आर वन हमारे पास है, चूँकि आर वन वही होता है जो आर होता है जो ब्याज की दर दी होती है, 6% है वो हमारे पास
आर टू हमें निकालना पड़ेगा। आर टू क्या कैसे निकालेंगे, 6% का हमारा मेन इंटरेस्ट रेट है और हमें 10 महीने के लिए निकालना है, तो 10/12 कर दीजिए इसका, तो 6 से 12 काट दिया 2 में और यहाँ पे बचा 5, तो 5% का हमारा आर टू निकल आया। अब आर इफेक्टिव निकाल लीजिए, इसमें 6 × 5 लिखना पड़ेगा हमें अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 0.30% आर इफेक्टिव आ गया अब हमारे पास। अब हमें डेल्टा निकालना है, दोनों का डिफरेंस, जो दोनों इंटरेस्ट हमारे आने जा रहे हैं उन दोनों का इंटरेस्ट हम निकालेंगे, सॉरी उन दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस हम निकालेंगे, तो पी की वैल्यू रखेंगे हम, सॉरी 12,000 पी की वैल्यू है हमारे पास, और हमारे पास क्या है दूसरा आर ई, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 0.30 और यहाँ पे नीचे आएगा 100, तो 100 के दोनों जीरो यहाँ पे कट जाएंगे, 120 में 12 36, तो ये आ जाएगा ₹36 का इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 7, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% का और टाइम दिया है 1 साल 8 महीना, तो 1 साल 8 महीने को 1 ईयर 8 महीना, सॉरी तो ये हमने 10 लिखा था, 8 कर लीजिए, 8/12, तो 8/12 मतलब हो जाएगा 3/4, सॉरी 2/3, 1 सही 2/3 ये हमारा बनेगा, ये हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया, तो 6% पहले साल का रेट है, तो वो R1 बन जाएगा हमारा, R2 हमें निकालना है, तो 2/3 कर देंगे हम किसका, जो 6 है उसका, तो 6 यहाँ पे कट कर दीजिए, 2 आया 2 दूनी 4, तो दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बना। अब इन दोनों से हम R1 R2 को निकालेंगे, तो 6 × 4 कर देंगे अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 0.24%। अब इसको हम यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 0.24 और इसके साथ रख दीजिए आप अपना मूलधन, तो ₹8,400 मूलधन है और इसमें हमें 0.024 रखना है अपॉन 100 करना है, तो ये हमारा 84 × 24 करेंगे हम, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा ₹25.20, ये आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल हमारा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी प्रिंसिपल दिया 22,000 और 11 महीने, 1 साल 11 महीने का है, तो एक वन होल 11/12 लिख दिया हमने, R1 हमारा 24% है, R2 हमें निकालना है, तो 24% का 11/12 हम कर देंगे, तो ये कट जाएगा 2 बार 11 दूनी 22, तो 22% का R2 मिल गया, इन दोनों से हम यहाँ निकाल लेंगे R1 R2 से, R इफेक्टिव, तो R इफेक्टिव निकाला, तो 24 × 22/100%, तो ऐसे करके हमें R2 मिलेगा 5.28, 5.28। अब इसको आप रख दीजिए 5.28 को यहाँ पे सीधे, P की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल है हमारा 22,000, दो जीरो हमारे कट चुके होंगे, हम पहले ही काट दिए हैं आपकी सहूलियत के लिए, अपॉन 100 कर दीजिए, इसके जीरो कट चुके हैं, तो 22 × 10, तो ये आ जाएगा आपका 1161.60 रुपये का डिफरेंस, तो ये हमारा आंसर हो गया, फटाफट आपका आंसर आता रहेगा, तो ऐसे ही देखिए, मिलते हैं आपसे इसी के साथ, थैंक यू।